Hello everyone, I welcome you all to Indian Politics series through Lakshmikant 6th edition. Aaj hum chapter number 3 cover karne wale hain, and that is salient features of Indian constitution. Okay, so let's start our lecture, our topic of the day, and that is salient features of the Indian constitution. So when we talk about Indian constitution, so Indian constitution jo hai ye lagbhag aapke 60 se zyada deshon se borrowed kiya gaya hai. Iske alawa jab hum Indian constitution ki baat karte hain, to we can say that however we have taken Indian constitution from more than 60 countries, or we have taken inspiration from more than 60 countries, but still there are certain features, salient features, which are unique to Indian constitution. राइट ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो काफ़ी डिफरेंट था उस कॉन्स्टिट्यूशन से जिसे हम आज फॉलो करते हैं. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देन यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 73rd टॉक्स अबाउट पंचायत, and 74th constitutional amendment talks about your municipalities. 1992 mein ye hue the. Uske baad 97th constitutional amendment act hai, 101 constitutional amendment act hai. To till now abhi tak agar hum baat kare to abhi aapke lagbhag 104 constitutional amendment ho chuke hain, right? Till date you have almost around 104 constitutional amendment acts. Then you have a very important case called Keshavananda Bharti case, 1973, 24th of April 1973 में Keshavananda Bharti case का judgment आता है. And ये जो judgment होता है, ये क्या कहता है? This judgment says that Article 368, which gives power to Parliament to amend the Indian Constitution, is not absolute, right? Article 368 जो कि constitutional amendment की बात करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है संविधान में बदलाव करने की, उसमें चेंज करने की. ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, यानी जो 368 जो आर्टिकल है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. एंड अकॉर्डिंग टू केशवानंदा भारती केस, इफ एनी प्रोविजन और एनी अमेंडमेंट वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट शैल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड. राइट, सो ये काफी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का, केशवानंदा भारती केस, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ये इंट्रोड्यूस होता है आपके केशवानंदा भारती केस के द्वारा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर विच डिफ्रेंशिएट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपके जो संविधान होते हैं वो दो तरह से होते हैं. एक होते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन यू हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके से हुए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है. जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो दो चीजें आपको याद रखनी है, नंबर वन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन नेचर, दूसरा, ये दुनिया का सबसे बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक, व्हेन वी टॉक अबाउट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब भारत का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था इन 1949, आपको याद होगा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, ये हुआ था 26th of November 1949 में. ठीक है, और ये इंप्लीमेंट कब हुआ था? 26th of January 1950 में ये इंप्लीमेंट हुआ था. ठीक, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी. भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर को, और ये इंप्लीमेंट कब हुआ था? 26th ऑफ जनवरी को. तो ओरिजिनली जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था तो इट हैड वन प्रीएम्बल, एक प्रीएम्बल था इसमें, राइट. टोटल 395 आर्टिकल्स इसमें हुआ करते थे, एंड दीज आर्टिकल्स वर डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, तो आपके 22 भाग हुआ करते थे, और नंबर ऑफ शेड्यूल्स वर 8, तो टोटल आपके 8 शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलते हैं. लेकिन जब हम प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आज भारत के संविधान में एक प्रीएम्बल है, लगभग 470 आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं,
पार्ट्स की बात करें तो 22 से बढ़कर ये 25 हो चुके हैं, और अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो प्रेजेंटली वी हैव अराउंड 12 शेड्यूल्स। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल थे, कितने पार्ट थे, और प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल हैं और कितने पार्ट हैं, राइट? नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज सो मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल। दुनिया का कोई भी संविधान ऐसा नहीं है जिसमें भारत के बराबर अनुच्छेद, भारत के बराबर शेड्यूल आपको देखने को मिलते हैं। सो दैट इज द रीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स की वजह से, जिन कारणों की वजह से भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान बनता है, तो पहला जो कारण है भारत के संविधान के इतना बड़ा होने का, दैट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। देन यू हैव भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट्स, राइट? एंड वन मोर रीजन इज डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो यार, पहला जो फैक्टर है दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री, राइट? द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड द डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ द इंडियन इंडियन टेरिटरी और इंडियन पीपल। तो बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं लोगों के, डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स हैं, और उन सबको शामिल करने के लिए, उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत सारे प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो ये एक कारण है जिन कारणों की वजह से आपका जो संविधान है वो काफी बड़ा हो जाता है। वेन वी टॉक अबाउट हिस्टोरिकल फैक्टर्स, तो आपको याद है कि भारत का जो हिस्ट्री है उसमें आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री खासतौर से है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका द रूल ड्यूरिंग योर कंपनी टाइम, और वो रूल जो कि क्राउन के टाइम पर स्टार्ट होता है। कंपनी रूल के टाइम पर भी आपको बहुत सारे एक्ट्स देखने को मिलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स देखने को मिलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट देखने को मिलते हैं, चार्टर एक्ट देखने को मिलते हैं। और क्राउन रूल की बात करते हैं तो क्राउन रूल में भी आपको नंबर ऑफ एक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपने आप में काफी ज्यादा बल्कि था, काफी ज्यादा एक्सप्लेन्ड था, और वहीं से भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्पायर्ड होता है। मोर देन 50% ऑफ द प्रोविजंस आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, एंड बिकॉज GOI 1935 इन इटसेल्फ वाज अ वेरी बल्कि डॉक्यूमेंट, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको भारत के संविधान में देखने को मिलता है। तीसरा जो कारण बताया गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा होने का, वो कारण है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट। देखो यार, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आपके जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज डिफरेंट, एंड स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज डिफरेंट। तो स्टेट्स के अपने भी कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया में आपका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी केवल स्टेट्स का अपना, केवल सेंटर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स के अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते हैं। और क्योंकि अब आपको सेंटर की बातें भी इंक्लूड करनी है, स्टेट्स की बातें भी उसमें इंक्लूड करनी है, तो नेचुरली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी बड़ा हो जाएगा। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे, ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स वर लॉयर्स, दे वर लीगल ल्यूमिनरीज, and because they had legal background, so when they explained or when they wrote down the Indian Constitution, they used very technical language, काफी legal language उन्होंने use किया, and they made sure that every provision in Indian Constitution is explained in a very detailed manner. और उसी detailed details की वजह से भारत का जो Constitution है वो काफी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा बल्की हो जाता है, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो आई गेस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है इस स्लाइड का वो ये है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली कंटेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस देखने को नहीं मिलते बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस का भी काफी डिटेलिंग देखने को मिलता है, और यही एक कारण हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा एक्सप्लेन्ड हो जाता है, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट जो सेलियंट फीचर है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, काफी अलग अलग सोर्सेज से आपको देखने को मिलता है कि भारत का जो संविधान है इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेज, ठीक है?
अगर सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड मोर देन 50% ऑफ द प्रोविजंस आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द जीओआई एक्ट ऑफ 1935. अंबेडकर जी ने क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ही सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैनसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. उस वक्त के जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सबको पढ़ा गया, उन सबको एनालाइज किया गया, और वहां से इंस्पायर्ड होकर हमने बहुत सारे प्रोविजंस को भारत के संविधान में शामिल किया और उन्हें चेंज किया इंडियन नीड्स के अनुसार. अगर हम स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में बात करें, तो स्ट्रक्चरल पार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो कहां से लिया गया है, तो स्ट्रक्चरल पार्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है. दूसरा पॉइंट ये बनता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, राइट, फिलोसॉफिकल पार्ट कहां से लिया गया है, सो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, राइट, फिलोसॉफिकल पार्ट में आपकी दो चीज आ जाती है, पहला है आपका फंडामेंटल राइट्स, फिर है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वी हैव टेकन इट फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सो वी हैव टेकन इट फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया. तो फिलोसॉफिकल पार्ट अमेरिकन प्लस आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. आपके लेजिस्लेचर के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है. ठीक है, तो यार देखो होता क्या है आपका, अगर आप इंडियन इंडियन सिस्टम की बात करें, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो देयर आर थ्री ऑर्गन्स, 1, 2 and 3, राइट. वन इज योर लेजिस्लेचर, देन यू हैव एग्जीक्यूटिव एंड देन यू हैव जुडिशरी. दीज आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम. अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो इसको अगर आपको दिखाना है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. दिस इज योर लेजिस्लेचर, और इसी लेजिस्लेचर से हम ड्रॉ करते हैं आपका एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो ये दर्शाता है भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम को, राइट, दैट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, रादर दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. आपका जो एग्जीक्यूटिव है ये कहां से निकल के आता है, ये लेजिस्लेचर से ही निकल के आता है. ठीक, लेजिस्लेचर का मतलब हो गया पार्लियामेंट जो कानून बनाता है, और एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया जो कानून को लागू करता है. अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है जो कि ब्रिटेन से लिया है. अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों कंप्लीटली डिफरेंट है. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड जुडिशरी इज कंप्लीटली सेपरेटेड. ठीक है, तो आगे जैसे जैसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको और ज्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा. फिलहाल तो मैं आपको इतना ही बताऊं कि ये हमने लिया कहां से है, ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस अदर सोर्सेज जहां से हमने और भी चीजें ली हैं. फॉर एग्जांपल, वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा, हमने ऑस्ट्रेलिया से काफी प्रावधान लिए हैं, जर्मनी से हमने लिया है, यूएसएसआर जिसे आज आप रशिया के नाम से जानते हैं, राइट, फ्रांस से हमने इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब लिया है, साउथ अफ्रीका से इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं, जापान से हमने काफी कुछ लिया है, राइट. तो कहने का मतलब यह है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है उस वक्त के अवेलेबल जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, वहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, एनालाइज किया, और फिर भारत का संविधान जो है वो तैयार किया गया है, राइट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो मैंने आपको बताया, मोर देन 50% जो प्रोविजन है हमने यहाँ से लिए हैं. इसके अलावा फेडरल स्कीम जो है ये हमने लिया है, जुडिशरी हमने 1935 से लिया है, गवर्नर, एमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जैसे कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है. You have next important feature, and that is Indian Constitution is a blend of rigidity and flexibility. अगर हम Indian Constitution की बात करें तो Indian Constitution बहुत ज़्यादा rigid नहीं है, right? और बहुत ज़्यादा flexible भी नहीं है.
जब हम रिजिडिटी की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना आसान नहीं होता। लेकिन हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम जब कहेंगे, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एज रिजिड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, एज वेल एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फ्लेक्सिबल एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। तो अपन लोग जो है यहाँ पर लाए करते हैं, अगर मैं इसको स्केल कंसिडर करूँ तो स्केल के एक एंड में आपका अमेरिका है, दूसरे एंड में आपका इंग्लैंड है। तो इंडिया कहाँ पर लाई करेगा? इंडिया सेंटर में लाई करेगा, ना तो अमेरिका की तरह रिजिड और ना ही इंग्लैंड की तरह फ्लेक्सिबल। तो इंडिया कहाँ लाई करेगा? इंडिया लाई करेगा सेंटर में। इट मीन्स इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब हो यार? देखो, रिजिडिटी का मतलब यह है कि आपको अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यू नीड स्पेशल मेजोरिटी फॉर दैट। ठीक है, अगर आपको संविधान में कोई बदलाव करने हैं तो प्रोसेस काफी ज्यादा टफ होगा, इट विल बी वेरी रिजिड प्रोसेस। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे जब आपको कोई संविधान में संशोधन करना है तो दैट प्रोसेस विल बी वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, और ऑर्डिनरी लॉज की तरह इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सर्टेन फीचर्स विच आर ऑफ रिजिड नेचर एंड देयर आर सर्टेन फीचर्स विच आर ऑफ फ्लेक्सिबल नेचर। सो वी आर अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट, राइट। When we talk about constitutional amendment की, तो there is one article called Article 368, जिसका इस्तेमाल करके पार्लियामेंट जो है constitutional amendment करता है। अब ये जो constitutional amendment होते हैं, ये दो तरीके से किए जाते हैं। There are two ways, there are two types of constitutional amendments. पहला जो constitutional amendment है उसके लिए क्या किया जाएगा? You will require a special majority. Very important. आपको जो है constitutional amendment अगर करना है, when you are using article 368, so there are two ways, there are two methods जिनके through आप constitutional amendment कर सकते हैं। पहले method की बात करें तो पहला जो method है उसमें आपको special majority चाहिए। special majority कहाँ पर चाहिए? parliament में चाहिए। तो आपको ये भी point याद रखना है कि constitutional amendment का जो process है, ये process केवल parliament में start हो सकता है, states में start नहीं किया जा सकता है, राइट। तो आपको स्पेशल मेजोरिटी कहां पे चाहिए? पार्लियामेंट में चाहिए। अब ये वाली जो स्पेशल मेजोरिटी है इसका क्या मतलब हुआ? तो यार देखो, इसमें आपको चाहिए होगा 2/3 मेजोरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहां पर 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी, किसका मेजोरिटी चाहिए आपको 2/3? तो इसमें आपको चाहिए बोथ द हाउसेस, द मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस, इन ईच हाउस, राइट। जब हम पार्लियामेंट की बात करें तो दो हाउस है वहां पर, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, दीज आर द टू हाउसेस। इन दोनों सदनों में, इन दोनों हाउसेस में यू नीड स्पेशल मेजोरिटी, पहले तो आपको ये याद रखना है। अब ये जो स्पेशल मेजोरिटी है इसको आप कैसे काउंट करेंगे? तो पहली कंडीशन ये है कि इसमें आपको 2/3 चाहिए होगा, किसका? उन सदस्यों का, उन मेंबर्स का जो कि प्रेजेंट है हाउस में एंड दे आर वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। एक तो ये कंडीशन आपको मैच करनी है। दूसरी कंडीशन आपको क्या मैच करनी है? दैट यू नीड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोकसभा का केस लेके चलते हैं तो देर आर 545 मेंबर्स इन लोकसभा प्रेजेंटली, राइट। तो 545 का मेजोरिटी यानी मोर देन 50%, 50% प्लस 1 आपको मेजोरिटी चाहिए होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं आपका, ठीक है। पहला तो आपको ये याद रखना है कि 2/3 चाहिए आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग का, और दूसरी कंडीशन ये कि जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% आपको चाहिए होगा। इसको एक केस से समझते हैं। सो मान लेते हैं आपको 368 यूज करना है एंड यू वांट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमको कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कैसे कर पाएंगे? तो एक तो आप ये याद रखो कि लोकसभा का केस लेके चलते हैं, ठीक, यह है आपका लोकसभा। तो लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है प्रेजेंट डे अगर हम बात करें तो 545, ठीक है, 545 सीट्स। अब ये जो 545 सीट्स हैं, यहां पे आपको दो चीजें देखना है। पहली कंडीशन ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए यू नीड मोर देन 50% मेजोरिटी, ठीक है।
तो यहां पर आपको एटलीस्ट एटलीस्ट 273 लोग चाहिए होंगे, कम से कम 273 लोग आपको चाहिए होंगे, राइट। ये हो गए आपके 273। अगर 250 मेंबर्स बैठते हैं या 200 मेंबर्स बैठते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका पहली कंडीशन ये है कि 50% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है भाई। अब दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो मेंबर बैठे हैं, यानी ये 273 मेंबर बैठे हैं, इन 273 का 2/3, यानी ये लोग क्या करेंगे, ये प्रेजेंट भी हैं और ये वोट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये वोट कर रहे हैं, तो अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए ये जो प्रेजेंट एंड वोटिंग जो नंबर है इसका 2/3 चाहिए होगा, और तब जाके आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं दूसरे प्रावधान में। दूसरा जो प्रावधान है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यू नीड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जो पहली कंडीशन में था, यानी ये सब आपको चाहिए होगा, ठीक है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और क्या चाहिए होगा, यू नीड टू रेटिफाई दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करवाया, और पास करवाने के बाद आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को राज्यों के पास भेजेंगे, स्टेट्स के पास भेजेंगे, और वो जो राज्य है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देर आर 30 स्टेट्स, ठीक है, तो यू नीड रेटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट 16 स्टेट्स, ठीक है, 15 से ज्यादा, यानी 50% से ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो जब ये हो जाएगा, जब हाफ नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स विल पास और विल रेटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देन ओनली इट विल बी इंप्लीमेंटेड। तो कुछ ऐसे प्रावधान है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जिनके लिए आपको केवल स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, पहली वाली, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर आपको दूसरी वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको चाहिए। इसका एग्जांपल है जीएसटी, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यूज किया गया वो कौन सा था, वो सेकेंड वाला था, वो बी वाला था, जहां पर आपने स्पेशल मेजोरिटी से पहले पार्लियामेंट में पास करवाया और उसके बाद फिर इसको रेटिफाई करवा दिया हाफ ऑफ द स्टेट से। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस में चाहिए। मान लेते हैं कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो हमें लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी एंड मोर देन 50% मेजोरिटी चाहिए होगी। उसके बाद यहाँ से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस आगे कंटिन्यू किया जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टेन प्रोविजंस जिनको हम सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब हो गया कि आपको 50% से ज्यादा जो है क्या चाहिए होगा, उनका मेजोरिटी चाहिए होगा, मोर देन 50% का आपको मेजोरिटी चाहिए होगा, आपको उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि वेन एवर यू विल पास एनी प्रोविजन बाय सिंपल मेजोरिटी दैट विल नॉट कम अंडर द आर्टिकल 368, ठीक है भाई। आर्टिकल 368 में केवल स्पेशल मेजोरिटी वाले केसेस आते हैं, सिंपल मेजोरिटी वाला जो केस होगा वो नहीं आएगा आपके आर्टिकल 368 में। वो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस कंसीडर किया जाएगा, एक सामान्य जो है बदलाव उसको कंसीडर किया जाएगा, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये इस स्लाइड का मतलब है। आई होप आपको मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा हूंगा आसानी से इस प्रोसेस को। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे अगले सेलियंट फीचर की, एंड दैट इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट विद यूनिटरी बायस। अब ये क्या होता है, फेडरल सिस्टम तो है अपने इंडिया में, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बायसनेस है दैट इज टुवर्ड्स यूनिटरी फीचर्स। इसको इस तरीके से समझते हैं, पहले फेडरलिज्म को आपको समझना पड़ेगा। तो एक स्केल ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज ये एक स्केल है आपका, ठीक है, और ऊपर आपका सेंटर है यानी यूनियन है, राइट, और नीचे क्या है आपका, नीचे आपके नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, काफी सारे स्टेट हैं आपके, ठीक है, ये आपके स्टेट्स हैं, स्टेट वन, स्टेट टू, स्टेट थ्री, स्टेट फोर, स्टेट फाइव, एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो आपको ये समझना है कि जैसे जैसे पावर ऊपर की तरफ जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, दैट योर सिस्टम इज बिहेविंग लाइक अ यूनिटरी पावर, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, पावर जो है वो सेंटर के पास जा रही है, एक हाथ में पावर जा रही है। तो ये क्या होगा, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा। इसका मतलब पावर अगर ऊपर की तरफ जा रही है
तो वो क्या दर्शाएगा, वो यूनिटरी फीचर्स दिखाएगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। और जैसे जैसे आपकी पावर नीचे की तरफ आएगी यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, ये दिखाएगा फेडरल सिस्टम और द फेडरल फीचर्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडिया के केस में क्या होता है कि आमतौर पर जो आपकी पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है बिटवीन द यूनियन एंड द सेंटर्स, राइट। आपका जो सेवेंथ शेड्यूल है वो बात करता है आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, राइट, वो बात करता है लिस्ट के बारे में। देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन इन यूनिटरी इन योर यूनियन लिस्ट, देन यू हैव स्टेट लिस्ट एंड देन यू हैव कॉन्करेंट लिस्ट। तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, पावर जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है यानी पावर जो है राज्यों में बढ़ रहा है, इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। तो इस तरह के जो फीचर्स होंगे वो आपके फेडरल फीचर्स होंगे, और जैसे जैसे आपका पावर केंद्र के हाथ में आएगा यानी केंद्रीकृत होगा यानी सेंट्रलाइज होगा, तो वो आपका यूनिटरी सिस्टम को दिखाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है इमरजेंसी, जैसे ही आपकी इमरजेंसी लगती है तो पावर कहाँ चला जाता है, पावर सेंटर के पास चला जाता है। तो इमरजेंसी जो होगा वो किसका फीचर होगा, वो यूनिटरी फीचर होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पावर की, जब हम बात करेंगे बाइकैमरलिज्म की या इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पावर्स आपकी नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये फेडरल फीचर्स को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है कि ये मतलब होता है फेडरल सिस्टम का और यूनिटरी सिस्टम का। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो है फेडरल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। जब हम फेडरल फीचर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में क्या है, टू गवर्नमेंट सिस्टम है, वैसे तो थ्री गवर्नमेंट सिस्टम है बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स लिमिट अवरसेल्फ टू टू गवर्नमेंट सिस्टम। एक गवर्नमेंट सिस्टम है सेंटर में और दूसरा गवर्नमेंट सिस्टम है स्टेट में। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है, जिसमें आपकी पंचायत आती है और आपकी म्युनिसिपैलिटीज आती है। ठीक है, तो फिलहाल तो इसको रहने देते हैं, आपको सिर्फ ये समझना है कि आपका टू गवर्नमेंट सिस्टम काम करता है, सेंटर और स्टेट। तो जब हम सेंटर और स्टेट की बात कर रहे हैं, टू गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर की, राइट। दूसरा एग्जांपल है डिवीजन ऑफ पावर, जो मैंने आपको बताया कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं, ऐसे ही आपका सेवेंथ शेड्यूल जो होता है वो बात करता है आपके तीन तरह की लिस्ट की। एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट एंड देन यू हैव कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है। तो मैंने आपको बताया जैसे ही डिवीजन ऑफ पावर होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो फीचर है ये फेडरल फीचर है। उसके बाद है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर का एक एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान नहीं है, सो इट मीन्स दैट द राइट्स ऑफ द स्टेट्स विल बी प्रोटेक्टेड। यूनियन का जब मन करे वो कानून में बदलाव नहीं कर पाएगा, राइट, अपनी विंस एंड फैंटेसीज के अनुसार। तो यहाँ पर राज्यों के जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका फीचर होगा, इट विल बी अ फेडरल फीचर, राइट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में जो है, जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन भारत में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी बातें लिखी जाएंगी वो सुप्रीम मानी जाएंगी। पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं माना गया है, जुडिशरी को सुप्रीम नहीं माना गया है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया है। और अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा तो जो आपके स्टेट्स हैं, जो आपके राज्य हैं, उनके जो अधिकार हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगेन रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान नहीं है, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान नहीं है, इसका मतलब अगेन जो आपके स्टेट्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अच्छा इसको मैं अभी ही समझा देता हूं आपको, हालांकि आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जब हम बात करें तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है। आई विल ट्राई कि जो भी ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं मैं आपको साथ के साथ कवर करवा दूं, क्योंकि आगे चलकर फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। हालांकि जो भी चैप्टर्स हम सेलिएंट फीचर्स में पढ़ रहे हैं ये अपने आप में ही सेपरेट चैप्टर्स हैं जो आपको आगे लक्ष्मीकांत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंडियन जुडिशरी की बात करें तो देखो दो चीजें समझो, जब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया कि देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहला है आपका लेजिस्लेचर, ठीक, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव और
तीसरा है आपका जुडिशरी। ठीक, तो आपका जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है ये दोनों एक साथ है, यानी दे आर इंटरडिपेंडेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी, जुडिशरी इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम दीज टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं। तो जब हम इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी की बात करेंगे तो इट मीन्स कि जुडिशरी के अलग होने से क्या होगा कि मान लो केंद्र ने कोई कानून बनाया जो कि राज्यों को समझ में नहीं आ रहा और राज्यों के अधिकारों को छीना जा रहा है उनसे, तो राज्य क्या करेंगे, राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जुडिशरी बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट तो इट विल टेक डिसीजन इन द फेवर ऑफ स्टेट और इन द फेवर ऑफ सेंटर। तो स्टेट के राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, थ्रू जुडिशरी किया जा सकता है। तो ये कैसा फीचर होगा, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द स्टेट्स, दैट इज द रीजन हम इसे फेडरल सिस्टम की तरह कंसीडर करेंगे। उसके बाद है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब हो जाता है दो सदन। तो बाइकैमरलिज्म में दो सदन का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो बेसिकली राज्यसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है, यानी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टेट्स के जो अधिकार है, स्टेट्स के जो जो भी उनके राइट्स हैं, जो भी उनके इंटरेस्ट है, वो कहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, वो राज्यसभा में प्रोटेक्ट हो रहे हैं। दैट इज द रीजन वी आर कंसिडरिंग इट अगेन एज अ फेडरल सिस्टम। ठीक, अब आगे बात करते हैं आपके नॉन फेडरल फीचर्स की, यानी यूनिटरी फीचर्स की। तो यूनिटरी फीचर्स क्या होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, वो फीचर जो कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को सपोर्ट करेंगे वो यूनिटरी फीचर होंगे, यानी वो फीचर संविधान के जो कि केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाएंगे वो यूनिटरी फीचर्स का पार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारत में जो केंद्र है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इंडिया क्या बात करता है, इंडिया बात करता है वी फॉलो अ फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस, राइट। तो अवर सेंटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द प्रोविजन ऑफ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपका जो देश है वहां पे केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, राइट। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है आपके भारत में, यानी भारत में एकल नागरिकता होगी, आप भारत के नागरिक हो सकते हैं लेकिन आप यूपी के, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के नागरिक नहीं कंसिडर किए जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है लेकिन इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं तो वहां पर आपको स्टेट्स की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो देर आर सर्टेन प्रोविजंस विच आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो जब जब प्रोविजन फ्लेक्सिबल नेचर के होंगे तो आपका सेंटर जो है वो डोमिनेट करेगा, और अगर सेंटर डोमिनेट करेगा तो इसका मतलब आपका यूनिटरी फीचर जो है या यूनिटरी बायसनेस आपको देखने को मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट। When we talk about independency of the judiciary, it will be the example of federal feature. But when we talk about integrated judiciary, it will be an example of your unitary feature. ठीक है? अब integrated judiciary का क्या मतलब हुआ? तो integrated judiciary का मतलब ये हो गया कि सबसे ऊपर judiciary के रहेगा Supreme Court, then you have number of high courts, and then you have number of lower courts. ठीक है? तो जब भी लोअर कोर्ट के खिलाफ आपको चैलेंज करना है यू विल मूव टू हाई कोर्ट, जब आपको हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करना है यू विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर क्या हुआ है, द जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड बिकॉज जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये यूनिटरी सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपके फेडरल फीचर का। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि तीन से चार आपको स्टेटमेंट मिल सकती हैं, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द बोथ, राइट। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद ये रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर इट इज कॉल्ड एज क्वासी फेडरल, or there are certain features which shows that Indian constitution is federal in nature, but the term federation is nowhere mentioned in Indian constitution. Aapko federation shabd ka zikr kahin pe bhi dekhne ko nahi milta hai Indian constitution mein. Ye bahut important point hai UPSC ke perspective se. Jaise UPSC ne abhi 2019 mein I guess ek question pucha tha that the term office of profit has been mentioned or has been described in Indian constitution. So it has been mentioned in the Indian constitution but it is not been described in Indian constitution. So is tarah ki statement aapko kafi zyada dekhne ko milti hai UPSC mein.
आपके लिए ये भी एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है दैट द टर्म फेडरेशन इज वेरी वेल डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो गलत हो जाएगा, डिफाइन नहीं किया गया है. ठीक है, तो क्या कहा गया है इंडिया को, अंडर आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ स्टेट. राइट, भारत को जो है यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है. ऐसा क्यों कहा गया है, उसके पीछे दो कारण है. पहला जो कारण है वो ये है दैट इंडियन इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट बाय द स्टेट. ठीक है, तो इंडियन फेडरेशन यानी इंडियन जो यूनियन है और इंडियन स्टेट्स जो हैं वो आपस में किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं जुड़े हैं. एंड दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया. राइट, अगर हम बात करें दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण ये है कि भारत से जुड़ने वाले जितने भी राज्य हैं दे विल नॉट हैव द राइट टू सीसीड फ्रॉम द फेडरेशन. अगर उत्तराखंड अलग होना चाहता है, अगर यूपी अलग होना चाहता है, तो दे वोंट हैव दैट राइट. तो ये दो कारण है जिन कारणों की वजह से भारत को अंडर आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है. ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी 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 फेमस टर्म यूज फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज क्वासी फेडरल. तो ये पीसीएस में क्वेश्चन बना था कहीं पर कि किसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा है, तो आंसर है इसका केसी वियर. सो अकॉर्डिंग टू केसी वियर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर. क्वासी फेडरल मतलब अगेन इट इज अ ब्लेंड ऑफ फेडरल फीचर्स एंड योर यूनिटरी फीचर्स. सो क्वासी फेडरल सिस्टम हमारा है. राइट, देन यू हैव वन वर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो शब्द है मेंस में काफी ज्यादा यूपीएससी में पूछा जाता है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. राइट, सो ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल ग्रेनविले ने किया है, ये भी पीसीएस में क्वेश्चन आपका बन चुका है. राइट, दैट हु कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सो आंसर इज ग्रेनविल. राइट, उसके बाद ऑस्टिन है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी कहते हैं. राइट, आइवर जेनिंग्स ये कहते हैं. आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला, आइवर जेनिंग्स ने बोला दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन फेडरेशन हैज फेडरल फीचर्स बट विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी. तो फेडरेशन के फीचर्स तो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको जो है सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी देखने को मिलता है, यूनिटी बायसनेस देखने को मिलता है. तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज किए गए हैं और नॉट इन यूपीएससी एग्जाम बट इन पीसीएस एग्जाम दे डायरेक्टली आस्क यू कि ये किसने बोला. तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला, और आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला, फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. ठीक, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज वी फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारत का जो संविधान है या भारत की जो पॉलिटी है वो किस तरीके से फॉलो होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपन लोग फॉलो करते हैं. ये हमने कहां से लिया है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. राइट, आगे बढ़ते हैं. अब देखो इसको समझो आप, जब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो दो सिस्टम होते हैं आपके. पहला जो सिस्टम होता है वो होता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे ब्रिटेन में, और जहां से हमने इंस्पायर होके इस सिस्टम को इंडिया में लागू किया, तो इंडिया में भी आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है. अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका में आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है. राइट, तो अब दोनों में अंतर क्या है, जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो अंतर क्या है. तो पहला तो अंतर आपको ये याद रखना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपका जो लेजिस्लेचर होता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर अलग होता है और एग्जीक्यूटिव आपका कंप्लीटली डिफरेंट होता है. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलोज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विद इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट. पूरे तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्ट्रिन है, उसे फॉलो किया जाता है. कहां पर किया जाता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर होता तो है लेकिन पूरे तरीके से नहीं होता है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही वी कॉल वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट. ठीक,
ठीक है, देर आर सर्टिन फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या कौन कौन से फीचर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारत का जो सिस्टम है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला तो फीचर है दैट प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों देखने को मिलते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है आपका, और रियल एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट जो है आपका हेड ऑफ द स्टेट है। कोई आपसे पूछे कि भारत में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो प्रेसिडेंट है। और अगर हम बात करें हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपका प्राइम मिनिस्टर है। तो नॉमिनल हेड भी आपको देखने को मिलता है और रियल हेड भी आपको देखने को मिलता है, रियल एग्जीक्यूटिव भी देखने को मिलता है। इनको बोला जाता है डी ज्योर, ठीक है, डी ज्योर हेड, और प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है डी फैक्टो, द रियल हेड, डी फैक्टो हेड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आपको याद रखना है। ओके, इसको लिखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, बट होपफुली 2 से 3 दिन में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजोरिटी पार्टी रूल। भारत में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें गवर्नमेंट किसकी बनती है, गवर्नमेंट उसकी बनती है जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, राइट, जिसको बहुमत मिलता है। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उस पार्टी का रूल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। तो ये क्वेश्चन तो 1000 बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, वो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको याद ये रखना है कि जब हम इन जनरल की बात करेंगे तो वो पार्लियामेंट के लिए यानी लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और टुवर्ड्स लोकसभा, राइट, पार्लियामेंट इन जनरल एंड स्पेसिफिकली टुवर्ड्स लोकसभा। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वही लोग जो हैं उन्हीं में से लोग आपके मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो ये कहां देखने को मिलता है, ये आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, जब हम सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने अभी आपको बताया। और अगर हम राज्य की बात करेंगे तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट में कौन होगा, सीएम होगा यानी चीफ मिनिस्टर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसॉल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोअर हाउस का मतलब है लोकसभा, राइट। तो अगर हम भारत की बात करें तो हर 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, री इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा नेवर गेट डिसॉल्व। तो वो कौन सा हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता, राज्यसभा, और लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु, यानी आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद ले सकते हैं, कोई भी दूसरी बॉडी आपको डिक्टेट नहीं करेगा। लेकिन जब हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इंडियन पार्लियामेंट आपकी सोवरेन बॉडी नहीं है, जैसे आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी है। भारत में सोवरेन क्या है, भारत में सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडियन पार्लियामेंट जो भी फैसले लेगी उनको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बात करें तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, वो सोवरेन है। लेकिन भारत में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, बल्कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है। तो पार्लियामेंट को जो भी फैसले लेने हैं इट विल हैव टू मेक श्योर दैट इट इज टेकिंग दोज डिसीजन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है, ठीक। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ रिपब्लिक, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रिटेन, ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, देखो 2 मतलब होते हैं रिपब्लिक के। कोई भी देश रिपब्लिक है या नहीं उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, 2 चीजें। पहला तो आपको याद रखना है कि उस देश का जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, दैट हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड, ठीक है, वो इलेक्टेड होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, ठीक।
इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देन दैट पर्टिकुलर कंट्री विल बी कॉल्ड एज रिपब्लिक. दूसरा तरीका, अगर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेरिडिटरी नहीं है, वंशानुगत नहीं है, ठीक है, अगर वो हेरिडिटरी नहीं है तो भी उसे रिपब्लिक कहा जाएगा. ठीक, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इफ द हेड ऑफ द स्टेट, इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉमिनेटेड तो क्या उस देश को रिपब्लिक कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा. ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है कि यहां पर हेड ऑफ द स्टेट अगर इलेक्टेड है, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, या फिर अगर हेड ऑफ द स्टेट नॉमिनेटेड भी है तो भी उसको रिपब्लिक कहा जाएगा. कहने का मतलब यह है कि हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए. अगर हेड ऑफ द स्टेट वंशानुगत है तो वो रिपब्लिक नहीं कहलाया जाएगा. इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं. तो हेड ऑफ द स्टेट मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कौन है, आपके प्रेसिडेंट है. तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है? बिल्कुल होता है. कैसे होता है? इनडायरेक्टली होता है. तो भारत क्या होगा? रिपब्लिक होगा, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है. लेकिन जब हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लें तो ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है? वो क्राउन है, वो रानी है. तो हेड ऑफ द स्टेट का क्या इलेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है. वो कैसे है? वो हेरिडिटरी है. इसका मतलब आपका जो ब्रिटेन है वो रिपब्लिक नहीं कंसीडर किया जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और भारत में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड. ठीक है, रियल गवर्नमेंट का जो हेड है, जो डी फैक्टो हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर है. तो यही कारण है कि इस सिस्टम को प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है. ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके अगले इंपॉर्टेंट फीचर की. और इंपॉर्टेंट फीचर जो है दैट इज इंडियन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहां पर आपको पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी देखने को मिलती है और आपको जुडिशियल सुप्रीमेसी भी देखने को मिलती है. यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर आपको देखने को नहीं मिलता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलता. कुछ पावर्स हैं जो कि पार्लियामेंट के पास है और कुछ पावर हैं जो कि जुडिशियल सुप्रीमेसी को दर्शाते हैं. राइट, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्रिटेन की, और जब हम जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अमेरिका की, और जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया लाइज समवेयर बिटवीन द टू. राइट, तो भारत में जो पार्लियामेंट है उसके पास कानून बनाने की ताकत है और जुडिशरी के पास पावर है कानून देखने की कि क्या जो कानून बनाया गया है वो संवैधानिक है या नहीं है. देखो, जब हम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, यानी आर्टिकल 368 किसको पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की? पार्लियामेंट को पावर देता है. ठीक है, लेकिन ये कानून बनाया जो गया है, ये अमेंडमेंट जो किया गया है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला जुडिशरी करेगी. राइट, और ये अधिकार जुडिशरी को कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है. कहां पर देता है? आर्टिकल 13 पर देता है. तो आपसे अगर पूछे कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से इन्फर किया गया है, तो आंसर होगा आर्टिकल 13. ठीक है, तो बेसिकली क्या है? कानून बनाएगा कौन? कानून बनाएगा पार्लियामेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा बाय यूजिंग आर्टिकल 368. और वो जो कानून बना है क्या वो संवैधानिक है या वो संवैधानिक नहीं है, इसको कौन देखेगा? इसको जुडिशरी देखेगा. और कैसे देखेगा? आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके देखेगा. और इसी प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाएगा. स्टेटमेंट आएगा कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आंसर इस कहीं पर भी मेंशन नहीं है. तो ये हमें मिला कहां से है? ये हमने इन्फर किया है आर्टिकल 13 से. राइट, तो इस पूरी स्लाइड का बेसिकली मतलब ये है. इसके अलावा इसमें दो तीन चीजें आपको और देखने को मिलती हैं. प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना होगा. ये इंटरव्यू में भी पूछा गया था, आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो देखो, जब हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में आपका है प्रोसीजर,
एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक। और इनफैक्ट ये आया कहाँ था, ये जापान से जो है ये इंस्पायर्ड है, इंडिया में भी ये फॉलो होता है। आर्टिकल 21 अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है राइट दैट राइट टू लाइफ के बारे में बात की गई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट। तो यहां पर अब बात करें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की, तो ये क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जुडिशरी को ये देखना होता है कि जो कानून बनाया गया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, यानी जो लॉ ने जो तरीका निर्धारित किया है, जो प्रोसेस निर्धारित किया है, क्या ये उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है राइट। ये है आपका इंडियन कॉन्सेप्ट, यानी कोई भी मैटर जब जुडिशरी में जाएगा तो जुडिशरी को ये देखना होता है कि जो कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा, क्या वो इस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है राइट। लेकिन जब हम बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, जहां पे एक डॉक्ट्रिन है जिसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसे कहा जाता है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जुडिशरी को न सिर्फ ये देखना है कि प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ ठीक से फॉलो हुआ है या नहीं, बल्कि उसे ये भी देखना है कि जो लॉ बनाया गया है वो सही है या नहीं है। समझ रहे हैं, दोनों चीजों में डिफरेंस है। एक में सिर्फ आपको ये देखना है कि जो लॉ बनाया गया है क्या वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरे में आपको ये देखना है कि जो लॉ बना है वो सही है या नहीं है राइट। तो अब देखा जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका का जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा एलोबरेट है एज कंपेयर टू इंडियन जुडिशरी? तो बिल्कुल सही, बिकॉज इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ पर फोकस किया जाता है, और अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर फोकस किया जाता है। तो वी कैन से दैट द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट इज नैरोवर। भारत की जो जुडिशियल रिव्यू पावर है वो कम है एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका और द जुडिशरी ऑफ अमेरिका राइट। क्यों? क्योंकि जुडिशरी ऑफ अमेरिका फॉलोज द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वेर एज द इंडियन जुडिशरी फॉलोज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो इस पूरे स्लाइड का ये मतलब आपको देखने को मिलता है, ठीक। सो ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर, इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। This is part number one, and बहुत जल्दी हम part number two लेके आएंगे। इस पूरे lecture को आप दो से तीन बार जरूर सुनिएगा, अपने notes आप जरूर तैयार कीजिएगा। Make sure that while watching to these videos or listening to these videos, you have your Lakshmikant 6th edition with you or 5th edition with you, और उसको आप साथ के साथ highlight करते रहें और साथ के साथ इसे पढ़ते रहें। अगर आपको कोई भी query है, कोई भी सवाल है, तो नीचे आप comment box में आप उसे जरूर पूछिए। I will try to answer you. With this, I would like to take your leave. Thank you so much. God bless you. Take care.